हेलो दोस्तों, शडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार सब इंस्पेक्टर और बिहार दरोगा के लिए हम लोग आज राष्ट्रीय प्रतीक देख रहे हैं और राष्ट्रीय प्रतीक से बार बार क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ वीडियो का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर हम लोग का जो राष्ट्रीय तिरंग जो ध्वज है, इसे हम लोग तिरंगा बोलते हैं, जिसमें तीन पटिया है तीन रंग का। इसे गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, बीच में आपको सफ़ेद रंग होता है और हरा जो होता है नीचे होता है, और बीच वाला सफ़ेद रंग में तिलिया चार 24 तिलियों के साथ एक गहरा नीले रंग का चक्र होता है। तो ये याद रखिएगा, जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये 3:2 में बटा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी है मैं इसका नोट्स बना दिया हूँ और इसे टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, ठीक। अब ये जो लिया गया है ये कब अपनाया गया था, जो हम लोगों का झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 24 तिलिया है और जो ये गहरे केसरिया रंग है यहाँ पर देख सकते हैं, इसका प्ररूप सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारनाथ के जो है जो चक्र है, ये धर्मचक्र बोला जाता है उसे। धर्मचक्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। 24 घंटा को निरूपित भी करता है वो 24 तिलिया, और गहरे नीले रंग का है वो जो है, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है जो कि सारनाथ में स्थित है। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए, ये हमारा हुआ राष्ट्रीय ध्वज हुआ। आगे चलते हैं, आगे है आपका राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का क्या है, मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिकेटस है, और ये हमारे पौराणिक कथा में भी देखी जाती है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। तो जो भी इस रिलेटेड नोट्स है इसमें मैं लिख दिया हूँ और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसे आप इसे लेकर देख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, कौन है, मोर है, जिसका नाम पाओ क्रिकेटस है, वैज्ञानिक पूछ सकता है। आगे है कि हम लोग का जो राष्ट्रीय फूल है ये क्या है, कमल है। ये हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, ये कमल है, और ये पवित्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ही हम लोग को ये शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कमल के बारे में। और यहाँ पर देखिए, जो हम लोग का वनस्पति डाटा अभी तक उपलब्ध कराई गई है, तो इससे बहुत विविधता देखा गया है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में अगर बात किया जाए तो हम लोग 10वें स्थान पर आते हैं वनस्पति के डाटा के अनुसार, में इसके पौधे और ये सब के अनुसार, और एशिया में 4थे स्थान पर आते हैं। अभी तक 70% ही डाटा उपलब्ध कराया गया है सर्वेक्षण द्वारा, भौगोलिक क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा, जिसमें आपको वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा 47,000 से अधिक प्रजातियाँ बताई गई है वनस्पति की। तो पुष्प जो हो जाएगा ये हमारा कमल हो जाएगा, सामने आपका चित्र है कमल का। यहाँ पर देखिए, जो राष्ट्रीय जो वृक्ष है, मिस कम लोग का राष्ट्रीय पेड़ जो होगा ये बरगद होगा। बरगद में आप देखते होंगे कि नीचे की तरफ भी शाखा ऐसे होती रहती है, यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ भी शाखा होती रहती है, और ये बहुत दिनों तक ये पेड़ रहता है, इसलिए इसे इसकी बहुत ज़्यादा इसको मायने दिया जाता है छाँव के चलते गाँव में आज भी, ठीक। ये जो है ये हम लोग का राष्ट्रीय है, और जड़ों और अधिक तने की शाखाएँ बनती है, इसकी विशेषता के कारण ही इसे अनस्वर बोला जाता है, इसी विशेषता कारण अनस्वर बोला जाता है, ठीक। ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। जो का राष्ट्रीय गान है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, जो भी है, जनगण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रीय गान है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले जो भारत में पुरस्कार मिला था 1913 में नोबल पुरस्कार, ये रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था। और बांग्लादेश का भी जो सॉन्ग है अमार सुनार बंगला, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, यहाँ पर इनका चित्र है। आगे देखिए, आगे जो है यहाँ पर जो हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राज्य चिन्ह, वो सारनाथ स्थित अस्तूप स्तंभ से लिया गया, जो राज जो हम लोग का चिन्ह है, जो अब सिंह वाला आप देखते होंगे, यहाँ पर अपने नीचे में दिखाता हूँ ये वाला जो हुआ, ठीक। ये जो लिया है ये सारनाथ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक। इसके मूल शीर्ष पर 4 शेर है, लेकिन आपको दिखाई 3 ही शेर से देंगे, क्योंकि एक दूसरे में पीठ सटा कर बैठे हुए हैं तो पीछे वाला नहीं दिखाई देता है, एक तरफ से आप 4 या 3 ही देख सकते हैं। और इसमें जो नीचे की तरफ और भी जानवर का है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिएगा कि एक नीचे के घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक विलेरी में एक हाथी है, एक हाथी है, चौकड़ी मारता हुआ एक घोड़ा है, एक सांड है, और एक सिंह उभरी हुई है। तो ये चारों जानवर भी मिले हुए हैं। और ये जो चक्र होता है, जो चक्र ऐसे लगा हुआ है, इसे धर्म चक्र बोला जाता है। और इसे जो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये जो चक्र लगा है, ये वाला चक्र, ये धर्म चक्र, ये सब जानवर है ये देख सकते हैं, ये जानवर और इधर उधर जानवर जो है, ये 4 जानवर तो आप देख सकते हैं। और लिखा हुआ है सत्य का विजय होता है, इसकी सत्यमेव जयते लिखा जाता है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और इसका मतलब होता है सत्य का विजय होता है, नीचे आप होंगे लिखा हुआ। अब आते हैं हम लोग कैलेंडर, हम लोग का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस पर आधारित है, तो ये सब पर आधारित है, संघ संवत पर आधारित है। और ये जो अपनाया गया था ये 22 मार्च 1957 को समानता अपना लिया गया था, और जो इसका सबसे पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, इसका पहला महीना जो होता है ये चैत्र होता है, यहाँ पर देख सकते हैं चैत्र, ठीक। और यहाँ से ये जो लास्ट वाला होता है ये 21 मार्च को पड़ता है, और जो शुरुआत होता है ये 22 मार्च से होता है गैग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ, जो गैग्रेगोरियन कैलेंडर हुआ, इंग्लिश कैलेंडर जिसे जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर हुआ, ये आपका देख सकते हैं। आपका राष्ट्रीय जो मिस की आपका जो राष्ट्रीय जानवर है, मिस की बाघ हम लोग का राष्ट्रीय है, और ये बिल्ली के कैटेगरी से ही आता है, तो आप देख सकते हैं पैंथेरा टिग्रिस नाम है वैज्ञानिक इसका। और प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरुआत किया गया था भारत में,
बाघ को बचाने के लिए, तो ये 1973 से शुरुआत किया गया था। जैसे 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई, 37,761 वर्ग किलोमीटर में शामिल है, और नए नए और क्षेत्र की स्थापना किए जा रहे हैं, ऐसा आप याद कर सकते हैं। जैसे कि वाल्मीकि जो क्षेत्र है बिहार में, वो टाइगर के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक, दुधवा जो यहाँ पर है यूपी में भी है। यहाँ पर देखिए वंदे मातरम गीत जो है, हम लोग का राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम गीत है। ठीक, और ये जो लिखा गया है ये बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, जो कि आनंद मठ से लिए गए हैं, आनंद मठ बुक लिए वहाँ उसी में। और ये 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सबसे पहला 1896 में गाया गया था। तो यहाँ से पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय गीत है ये बंकिमचंद्र चटर्जी, देखिए राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय गान जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं, और राष्ट्रीय गीत बंकिमचंद्र चटर्जी लिखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का राष्ट्रीय पैसा वाला प्रतीक है, ये दोनों रोमन और आपका जो हम लोग का है देवनागरी दोनों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर र और यहाँ पर रोमन अक्षर का आर दोनों से मिलकर बना हुआ है, और इसे जो अपनाया गया भारत सरकार द्वारा, ये 15 जुलाई 2010 को जो नया वाला चिन्ह है ये स्वीकार किया गया है। और इसके एक IITian बनाए हुए हैं जो मुंबई से, यहाँ पर उदय कुमार है, उदय कुमार ने ये बनाया है, और इन्हीं द्वारा ये डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हुआ हमारा रुपये का चिन्ह। अब आगे देखिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है। और इसकी शुरुआत जो किया गया था, इसकी स्थापना जो सबसे पहले किया गया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरुआत किया था 2 जनवरी 1954 से, और सबसे ये तीन लोगों को सबसे पहले मिला था 1954 में, और अभी जो मिला है प्रणब मुखर्जी जी को मिला है, और नंदजी देशमुख को मिला है, और एक असम के जो है, मैंने इस पर एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ, तो उनको मिला है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय जो जलचर है इसके बारे में है, जो राष्ट्रीय हम लोग का जलचर है ये है डॉल्फिन, जो राष्ट्रीय जलचर है ये है डॉल्फिन है। ठीक, जल का मिश्र जल का राष्ट्रीय प्राणी, जो कि बुद्धिमान होती है, बहुत ही बुद्धिमान होती है, मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जानवर यही है डॉल्फिन। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जो नदी है हम लोग का, वो गंगा नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी भी है, इसकी लंबाई इतना है, और ये हम लोग का पवित्र नदी है, इसलिए राष्ट्रीय नदी जो है ये गंगा हो जाएगा। तो पूछ सकता है राष्ट्रीय नदी कहाँ से? गंगा से। इसका उद्गम भी पूछ सकता है, तो हिमालय के गंगोत्री से यहाँ पर निकलता है ग्लेशियर से, ये भागीरथी के रूप में निकलता है, लेकिन बाद में गंगा हो जाता है, बहुत सी नदियाँ आकर मिलती है। भारत का राष्ट्रीय दिवस जो है ये 3 दिवस है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय जयंती जो महात्मा गांधी को हम लोग मनाते हैं, और गणतंत्र दिवस। ठीक, ये तीनों दिया हुआ है। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को मनाते हैं, 1947 को देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान पारित हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, इसलिए हम लोग यहाँ मनाते हैं 2 अक्टूबर को। अभी 150वां जन्मतिथि इनका मनाया गया है 2 अक्टूबर 2019 को। जो हम लोग का राष्ट्रीय लिपि है, या ऐसे बोल सकते हैं जो आधिकारिक लिपि है, ये हम लोग का देवनागरी लिपि है, जो कि हिंदी के लिए उपयोग किया जाता है मुख्यतः। 343 फर्स्ट में इसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में लिखा हुआ है। जो हम लोग का राजभाषा है मूलतः, ये तो हिंदी है। देखिए जो संविधानिक तौर पर भाषा का उल्लेख दिया गया है, ये 22 भाषाओं को दिया गया है आधिकारिक दर्जा, लेकिन जो हम लोग का राजभाषा ये हिंदी है, जो कि आर्टिकल 343 के तहत बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन है जो आप लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आए हुए परीक्षा में। जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है झंडे का, ये 3:2 है, मैंने ऊपर बताया आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2 है। ठीक, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? जो चक्र है उसका रंग क्या है? तो वो है गहरा नीला करकर है। उसमें 24 तिलियाँ हैं। सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ वाराणसी के नजदीक स्थित है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन बनाया गया था, ये पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था, पिंगली वेंकैया द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, और ये आनंद मठ से दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय संवत, जो राष्ट्रीय हम लोग का कैलेंडर या राष्ट्रीय संवत है, ये शक संवत पर आधारित है। किस संवत पर? शक संवत पर, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है, ये शक संवत पर आधारित है। ये रहा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसका जो PDF होगा मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। बस इसका अपलोड करेंगे वीडियो, और उसके नीचे ही आपको जस्ट उसी समय मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।